बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश ग्रामर को, आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। आज का जो टॉपिक है वो है सेंटेंस और उसकी टाइप्स, कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक मैन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। बेसिकली सेंटेंस क्या होता है, आपने सबसे पहले तो सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस पर मूव करने से पहले हमें बेसिक्स का पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होती है। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लफ्ज़ों का मजमूआ है, उन लफ्ज़ों का मजमूआ है जो कंप्लीट सेंस दें। ऐसा नहीं है जैसे कि हमें बचपन में क्या पढ़ाया जाता था, हमें पढ़ाया जाता था कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। कभी ये नहीं बताया गया कि ऐसे लफ्ज़ों का मजमूआ है जो कंप्लीट सेंस है। आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि सेंटेंस क्या है, लफ्ज़ों का मजमूआ है, ऐसे लफ्ज़ों का मजमूआ है जिनको जोड़े और कोई ना कोई बात कन्वे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहती हूँ दिस इज़ माय बुक, ओके। अगर मैं ऐसे लफ्ज़ जोड़ देती हूँ जिनकी कोई रिदम ही नहीं, जिनकी कोई सेंस ही नहीं बन रही, लेकिन लफ्ज़ों को जोड़ दिया है, तो वो एक तो सेंटेंस की डेफिनेशन की शर्त पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, तो वो सेंटेंस नहीं होता। उसके बाद हर सेंटेंस, ईच सेंटेंस बिगन विद द कैपिटल लेटर, ये भी इसकी शर्त है। पहले तो वो लफ्ज़ों का मजमूआ हो, दूसरा कंप्लीट सेंस दे, तीसरा हर जो सेंटेंस है वो शुरू किससे होता है, कैपिटल लेटर से, और एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। क्या आपने, क्या इससे समझ आए कि जो हर सेंटेंस है वो लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, उसके बाद उसकी दूसरी शर्त है कि उसे सेंस देनी चाहिए, तीसरी वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, कैपिटल लेटर से, और एंड फुल स्टॉप भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैगी इज़ प्लेइंग विद द डॉल, मैगी किससे खेल रही है, डॉल से खेल रही है, गुड़िया से खेल रही है। अब इसकी फर्स्ट शर्त पूरी होगी कि ये क्या है, लफ्ज़ों का मजमूआ है, 1 2 3 4 5 6 लफ्ज़ जुड़े और क्या हुआ, एक सेंटेंस बनाया। उसके बाद क्या ये कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, तो ये एक मैसेज कन्वे कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि लफ्ज़ों को जोड़ा उसके बाद एक मैसेज कन्वे हो गया कि मैगी जो है वो गुड़िया के साथ खेल रही है। उसके बाद थर्ड, क्या इसकी फर्स्ट जो लफ्ज़ है वो कैपिटल है, तो मैगी का एम क्या है, कैपिटल है, और इसका एंड किस पर हुआ है, फुल स्टॉप पर, तो ये सेंटेंस की सारी शराइत को पूरा कर रहा है। इसी तरह आर चिल्ड्रन स्विमिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इसने इन सब सेंटेंस में क्या हुआ है, ये इनकी शराइत को पूरा कर रहा है सेंटेंस को। अब देखते हैं कौन से सेंटेंस नहीं होते, लफ्ज़ों का मजमूआ तो हो। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड आर नॉट सेंटेंस, हम डिफरेंट लफ्ज़ों को जोड़ दें, एज दे डू नॉट मेक कम्प्लीट सेंस, लेकिन जोड़ दें, लेकिन वो क्या करें, वो कोई कम्प्लीट सेंस ना दें, कोई कम्प्लीट मैसेज ना दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं टीचर्स पढ़ाते थे कि लफ्ज़ों का मजमूआ है, तो मैं जोड़ देती थी दिस दैट इज एम, और मुझे समझ नहीं थी आती कि क्या इसमें क्या सेंस बन रही है, लफ्ज़ों का मजमूआ, मैंने तो सेंटेंस की शर्त पूरी कर दी है, लेकिन क्या हुआ है, कोई सेंस नहीं दे रहा। तो क्या है, वो सेंटेंस नहीं होता। इसमें क्या है कि अगर हम लफ्ज़ों को जोड़ भी देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना भी देते हैं, लेकिन वो कोई मैसेज कन्वे नहीं करता या कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो वो सेंटेंस नहीं होता। और इसके साथ साथ दे डू नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर और एंड विद द फुल स्टॉप, और ना ही वो कैपिटल, जैसे कि और डिलीशियस इन अ कॉर्नर, तो हमने ये ऊपर दो लफ्ज़ों को जोड़ा और डिलीशियस, इसने कोई मैसेज कन्वे नहीं किया, या फिर इन अ कॉर्नर,
नुक्कड़ में इसने भी कोई मैसेज नहीं कन्वे किया, ना तो ये सेंटेंस की शरायत को पूरा कर रहा है। ठीक है, लफ्जों को जोड़ना एक शर्त पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ, दूसरी उसकी शर्त पूरी नहीं हुई, तीसरा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ, तीसरी उसकी शर्त पूरी नहीं, चौथा ये एंड नहीं हुआ फुल स्टॉप से, एक्सक्लेमेशन मार्क से या फिर क्वेश्चन मार्क से। तो होपफुली आपको समझ आया होगा सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, कौन सा सेंटेंस नहीं होता। इसके बाद मूव करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। एवरीवन नो सेंटेंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब जो एक सेंटेंस है उसमें मस्ट ऑब्जेक्ट ना भी हो तो काम चल सकता है, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं होता। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ थिंग, पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। क्या है सब्जेक्ट? क्या है? कोई चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो काम करता है। ओके, सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? वर्ब इज लाइक एन एक्शन, डूइंग समथिंग। क्या है वर्ब? क्या है? लाइक एन एक्शन, जैसे करना, दौड़ना, चलना, फिरना। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? जिसके आगे ना आए। ठीक है, एक्शन। और ग्रामरली देखा जाए तो सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस। ऑब्जेक्ट ना भी आए तो हम उसे सेंटेंस कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब ना आए तो वो एक सेंटेंस नहीं बनता। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। अब जैसे कि सब्जेक्ट मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। ठीक है, एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन टू पार्ट। हर सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। अब हर सेंटेंस कितने चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो सेंटेंस है वो किसके बगैर नहीं बनता? सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर नहीं बनता। हर सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आपने समझना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज वाटर होम द सेंटेंस अबाउट, जिसके मुतलक सेंटेंस है, जैसे किसी शख्स, कोई जगह, कोई चीज, कोई प्लेस, किसके जिसके मुतलक हो। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के मुतलक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं कहती हूँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बात किनके बारे में हो रही है? बच्चे। द चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट। आर प्लेइंग इन द पार्क क्या है? प्रेडिकेट। क्योंकि प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के मुतल्लिक। जैसे कि बताया गया चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट। आर प्लेइंग इन द पार्क क्या है? प्रेडिकेट। क्योंकि वो बच्चों के बारे में, वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बता रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेज एंड क्लॉज। अब फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट। अब फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता, या फिर दोनों ही नहीं होते। इट गिव अ डेफिनेटिव मीनिंग, ये कोई ना कोई मीनिंग तो देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कोई प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं करता। ये सेंटेंस का पार्ट होता है एंड मेक हेल्प करता है मेकिंग अ सेंटेंस। अब पहली शर्त क्या है? कि ये लफ्जों का मजमूआ होता है। दूसरा, विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये कोई ना कोई मीनिंग भी होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं डिलीवर करता, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं करता। ये कुछ लफ्जों का मजमूआ होता है, हम कुछ लफ्ज लगा के इसके साथ क्या कर सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इसे कंपेयर करते हैं सेंटेंस के साथ, तो पहली शर्त पूरी हो गई, ग्रुप्स का मजमूआ है। दूसरी, उसके क्या थे? कंप्लीट थॉट थे।
लेकिन ये कंप्लीट थाट नहीं देता। ओके तो हम इसे क्या कह सकते हैं, फ्रेज क्या होता है, अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, हम इस अकेले को सेंटेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑन द टेबल, मेज़ पर, अब मैं क्या मेज़ पर, कोई प्रॉपर मैसेज तो डिलीवर नहीं हुआ ना, जस्ट हम इसने हमें क्या दे दिया, एक मीनिंग दे दिया मेज़ पर। अब कुछ लफ्ज़ों को साथ जोड़ेंगे तो कोई सेंस बनेंगी, कोई कंप्लीट मैसेज कन्वे होगा फ्रेज के साथ। जैसे इन द रूम, कमरे में, क्या कमरे में, तो हमें जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, लफ्ज़ों का मजमूआ होता है विद दो सब्जेक्ट और वर्ब, मीनिंग देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसको हम और लफ्ज़ों की मदद से हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, किताब कहाँ पड़ी हुई है, मेज के ऊपर। ये हम लोगों ने कुछ लफ्ज़ लिए, उनका ग्रुप बनाया और उसको किसके साथ जोड़ दिया, फ्रेज के साथ। जैसे कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का हिस्सा होता है, क्या बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प करता है। जैसे मैंने कुछ लफ्ज़ जोड़े, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो एक सेंटेंस बन गया, इसको कहते हैं फ्रेज। ये इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये उसकी शराइत को पर पूरा नहीं उतरता। हम सेंटेंस, फ्रेज और क्लास में डिफरेंस करने लगे हैं, इनको पार्ट नहीं कह सकते, ये पार्ट नहीं होते, ये टाइप ऑफ सेंटेंस होती हैं। हम इनको क्या कहते हैं, ये सेंटेंस होते हैं लेकिन प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं करते। अब जो फ्रेज है, सॉरी क्लास, सॉरी यहाँ क्लास लिखना था, फ्रेज नहीं, ये क्लास है। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लफ्ज़ों का मजमूआ है, डेट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है, लाइक अ सेंटेंस। इट रिक्वायर्ड एन अदर ग्रुप ऑफ वर्ड टू गिव अ कंप्लीट सेंस, इसे भी और लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग को समझाने के लिए, बट समटाइम कभी कभार कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन कभी कभार ये क्या करती है, खुद ही जो क्लास होती है मीनिंग कन्वे कर देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है। जैसे कि शी इज हंग्री, वो भूखी है, मीनिंग कन्वे हो गया, ठीक है, लेकिन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वो सोने की बनी है, क्या सोने की बनी है, अब इसने कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं किया, इसको भी क्या है, वर्ड की जरूरत है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। आप कहेंगे कि फ्रेज और क्लास तो सेम है, अब डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर में। जैसे कि फ्रेज पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन जो क्लास है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है होता है और वो अकेला स्टैंड कर सकता है, इवन समटाइम मीनिंग भी कन्वे कर देता है, लेकिन मोस्टली ये इनकम्प्लीट थाट देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है, इससे प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं होता। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितनी टाइप है, सेंटेंस की 5 टाइप है, डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, जिसमें सवाल पूछा जाता है, उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद एक्सक्लेमेशन होता है, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद कमांड जिसमें दी जाती है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। ये सबसे कॉमन टाइप सेंटेंस है, सबसे कॉमन, आम जो हम आम जिंदगी में सेंटेंस यूज करते हैं ना, ऐसे वो वाले सेंटेंस है। वी यूज देम टू मेक अ स्टेटमेंट, जस्ट लाइक हम कोई बात कर रहे हैं कि वो अच्छी लग रही है, तो वो ये क्या है, स्टेटमेंट हमने दिया है, और ये किस पे शामिल होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। लेकिन जो इसका फैंसी नेम है ना, उसे वो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नाम दे दिया, स्टेटमेंट सेंटेंस को हमने जो फैंसी नेम है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस है वो एंड हमेशा किससे होता है, पीरियड से होता है, डॉट से होता है।
ये सिंपल बात होती है, सिंपल कोई इंफॉर्मेशन होती है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है ये ग्रामेटिकली फार्मूला है इस सेंटेंस को बनाने का। जैसे दिस इज माई फेवरेट मूवी, दिस इज माई ड्रेस, जो सिंपल हम लोग स्टेटमेंट सिंपल इंफॉर्मेशन देते हैं वो होते हैं। जो सिंपल सेंटेंस आते हैं वो आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। इसमें किसी किस्म के क्वेश्चन नहीं होता, किसी किस्म के कोई इमोशंस नहीं होते, जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मली बात कर रहे हैं, तो वो आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस। वो वाले सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई हम क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वी वांट टू आस्क क्वेश्चन, जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, वी यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस होते हैं वो एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ऑफ्टन हैव एन एक्चुअली वर्ब एंड अदर वर्ड बिफोर द सेंटेंस। मोस्टली क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, या फिर डब्ल्यू फैमिली जो होती है वो आती है। वेयर इज द कैट, जैसे आ गई ना, वेयर इज द कैट, डब्ल्यू फैमिली आ गई। वेयर इज क्या है, हैप्पी वर्ब, द कैट सब्जेक्ट, बिल्ली कहाँ है, व्हाट इज योर नेम। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो ग्रामेटिकली फॉर्म है, वो क्या है, फर्स्ट डब्ल्यू फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब इनको जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। वो कोई क्वेश्चन रेज करेगा और इससे हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इन सेंटेंस से क्या कहते हैं, जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू लिव, तो इसमें क्या है, इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट डब्ल्यू फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अब जब भी आप याद करना है तो आपको लफ्ज़ों के मीनिंग आने चाहिए। एक्सक्लेमेशन का मतलब पहले पता होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिससे कन्वे होता है स्ट्रोंग इमोशन। जिसे इमोशन हम लोगों क्या होते हैं, हमारे वो सैड हो सकते हैं, वो एंगर हो सकते हैं, वो लव हो सकते हैं, वो हैप्पीनेस के हो सकते हैं, वो सारो हो सकते हैं, किसी भी किस्म के इमोशन जिससे इमोशन कन्वे हो वो होते हैं एक्सक्लेमेशन। और ये जो सेंटेंस होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं खुशी में कहती हूँ अलाल, तो हम इसके लिए कुछ लफ्ज़ भी यूज़ होते हैं। जैसे होड़े खुशी के लिए यूज़ होता है, अलास दुख के लिए यूज़ होता है, अल्लाह जैसे हम, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, होड़े वी वॉन द मैच, हम हैप्पीनेस शो कर रहे हैं ना, तो क्या मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, होड़े। एंगर जैसे यू वर मीन टू बैक यस्टरडे, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो इससे कौन से इमोशन डिलीवर हो रहे हैं, एंगर। यू आर अडोरेबल, कौन से एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं, लव, आई एम रियली गोइंग टू मिस द प्लेस, सारो, सैडनेस। तो इससे नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो उसमें शो की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं उसमें कोई दुआया जुमले आते हैं, कोई सेलिब्रेशन, कोई दुआ आ जाती है, या कोई बददुआ आ जाती है। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है वो एंड होता है किससे, एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की तरह ये भी एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। जैसे दुआ से शुरू करते हैं, ब्लेसिंग प्रेयर से शुरू करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, किस इसका एंड किस पर हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क पर हुआ है। और ये क्या है, दुआया जुमला है, या फिर मैं विश, इसमें विशेज आती है, तो जैसे कहती हूँ हैप्पी बर्थडे, या फिर मे यू गो टू हेल, कर्स, गुड मॉर्निंग। ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं
इसमें दुआया और बद्दुआ ये सारे सेंटेंस जो है वो शामिल होते हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो अपटेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस पर बात करेंगे, और जिससे हमारी बेस जो होगी वो स्ट्रोक हो जाएगी। अगर हमें इसके रेलिवेंट किसी किस्म का एमसीक्यूज आता है तो उसको हम अटेम्प्ट कर सकते। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। लेकिन जाते जाते प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।